क्या आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति रहने वाली है, या सीट डिक्लेरेशन जो कांग्रेस करेगी उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? जो अभी तक ये जिन सीटों को ये अपना गढ़ कहते हैं, जिन क्षेत्रों को अपना गढ़ कहते हैं, अपना परिवार कहते हैं, इतने लंबे समय से इन सीटों से इनके परिवार वाले परिवार के लोग प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, अब तक इन्होंने इन सीटों की घोषणा नहीं करी है। इसी से इनका डर पता चल रहा है। पिछली बार बुरी तरीके से अमेठी हारने के बाद शायद एक या दो बार राहुल गांधी लौटे होंगे अपना अपने यथाकथित परिवार से मिलने, जिस अमेठी ने हमेशा उनके खानदानियों का हमेशा साथ दिया है, उनका हमेशा साथ दिया है, अच्छे मतों से हमेशा उनको जिताने का काम किया है, माइनस अगला पिछला चुनाव। उस अमेठी में इन लोगों ने लौटने तक का काम नहीं किया है। उससे भी बदतर हालत है रायबरेली की, जहाँ तो जीत के गए और उसके बावजूद पिछले 5 सालों में ना तो जो सांसद महोदया थीं सोनिया गांधी जी, ना तो उन्होंने लौटने का कष्ट किया, और जो उनकी बेटी हैं एक बार मात्र वो आई थी, और वो भी विधानसभा के चुनाव में। तो ये लमसम जब भी आई हैं बस वोट मांगने ही आई हैं, और वोट लेके जब चले जाते हैं ये लोग तो पलट के भी नहीं देखते। और अपने आप को ये जब ये चुनावी मैदान में उतरते हैं रायबरेली अमेठी से खासतौर से, तो दुनिया भर के दावे देते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे परिवार वाले यहाँ से लड़ते थे, मेरी सास यहाँ से लड़ती थी, और दुनिया भर की सौगातें देते हैं। पर जब बात आती है अपनी जनता के बीच चुनाव के बाद अपनी जनता का ख्याल रखने की, अपनी जनता के बीच सुख दुख में शरीक होने की, शामिल होने की, तो ये पूरी तरीके से लापता हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को रायबरेली अमेठी की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, और पिछली बार उसका अमेठी में जनता ने रिजल्ट भी दिया, और अब रायबरेली की जनता भी पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई है कि हमारा जो भी विकास होना है भारतीय जनता पार्टी से ही होना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में होना है, और इन लोगों ने धोखा देने के अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं दिया। तो निश्चित रूप से इस बार रायबरेली की सीट भी इनके हाथों से जाएगी। बात सामने रखी थी कि अमेठी और रायबरेली की ये जो सीट है यहाँ से गांधी परिवार से ही हमेशा से कोई लड़ा है। उन्होंने ये भी इसके साथ बात कही कि जो जनता है या वहाँ की जो रायबरेली और अमेठी के आम नागरिक हैं, उनकी ये कहना है कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़े। कितना सहमत हैं आप इस बात से, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा ये बात कह रही है कि वहाँ से जनता की ये पुकार है कि वहाँ कांग्रेस परिवार का ही कोई, गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़े। यदि इतनी ही जनता की पुकार है तो आप बताएं आपने अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं करें? चुनाव घोषित हो गया है रायबरेली अमेठी से, और यदि आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत के और जनता की बड़ी भारी पुकार है वहाँ की, तो आपको हर बार गठबंधन करने की वहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है? क्यों आप बिना समाजवादी पार्टी के, गठबंधन के बिना, या समाजवादी पार्टी और पिछली बार बसपा के भी समर्थन के बिना आप क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? अगर दम है, और ये स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था कि दम है तो आप अकेले लड़ के दिखाइए, आपको एक बैसाखी की ज़रूरत क्यों पड़ती है सपा के रूप में या अन्य दलों के रूप में, जिन सबका आपको समर्थन चाहिए होता है इससे पहले कि आप रायबरेली से अपना नामांकन करें, क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी का लोनिया यात्रा को लेकर के काफ़ी उन्होंने कसीदे पढ़े, उनकी इस यात्रा के संबंध में उनकी काफ़ी सराहना करी, लेकिन वो खुद उस यात्रा में नहीं पहुँचे। ये जो इंडिया गठबंधन है जिनकी ये बात करते हैं, इनका टूटा फूटा गठबंधन है, सत्यता इसकी यही है कि पत्र लिखने से अगर वो चाहते, अगर वाकई इस गठबंधन में दम होता, उनको स्वयं वहाँ जाना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, अन्य दली नेता भी वहाँ मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन का यही हाल है, और क्लियरली जनता ये सारी चीज़ें समझ चुकी है, और इसीलिए पिछली बार भी तमाम गठबंधनों के बावजूद बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में जो सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे वो सूबे की सरकार के हों, चाहे वो, और अब मैं तो कहूँगी हमारे डबल इंजन के जो सरकार के सारे काम हुए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है, जनता ने काम देखा है, काम की सराहना करी है, और इस बार तो जितनी सीटें पिछली बार पाए थे उससे भी ज़्यादा सीटें पाएंगे, और निश्चित रूप से रायबरेली और अमेठी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से भारत जो कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं,
सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है। जो राजा है उसकी जान ईवीएम में है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, देश की संस्था ईडी सीबीआई आयकर विभाग इस तरह की चीज़ों में है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने पार्टी को छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने मेरी माँ से रोते हुए ये बात कही कि सोनिया जी मुझे शर्म आती है कि मैं शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं ये जो शक्ति शब्द है ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिंदू धर्म के। 100%। और ये जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिन सूबों में ये जीत के जाते हैं, जिन प्रदेशों में ये जीत के गए हैं, और हिमाचल जीता है, कर्नाटक और अन्य तमाम जो भी इनके प्रदेश हैं जहाँ भी इन्होंने जीत दर्ज करी है, वहाँ ये ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वहाँ कोई पेपर बैलेट वोटिंग तो हुई नहीं है, तो वहाँ ये ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ईवीएम वाला रोना कब तक रोएंगे। इट इज़ सो हिपोक्रिटिकल। ये तो बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी की बात है कि आप उन प्रदेशों में सवाल नहीं उठाते हैं या उन सीटों पर सवाल नहीं उठाते हैं जहाँ आपके प्रत्याशी जीत दर्ज करके आते हैं। तो मेरे ख्याल से इन और कुछ करें या ना करें, इनको कम से कम अपनी स्ट्रैटेजी तो ज़रूर बदलनी चाहिए। इस चीज़ पे अब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है जो ये बार बार इसी चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं। यदि ऐसी बात थी तो क्यों अन्य जो चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कैसे वो सरकार बना ले जाती हैं अन्य प्रदेशों में? भारतीय जनता पार्टी तो इस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है। ईवीएम ईडी सीबीआई के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा जिक्र करा कि शक्ति जो है, इस शक्ति से जीत पाना बहुत मुश्किल है और उस शक्ति के आगे लोग नहीं टिक पा रहे हैं। कैसे देखती हैं इसको, जो उन्होंने ये बयान दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति है, शक्ति संगठन की है, शक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनके अच्छे कार्यों की है, शक्ति हमारे सभी जो अन्य अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे बूथ लेवल कार्यकर्ता की जो आप मेहनत देखेंगे, जैसे वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, कैसे पूरे 5 साल हम लोगों की पार्टी के कार्यक्रम मिलते रहते हैं, जिसका बहुत अच्छी तरीके से हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे प्रधान सेवक हों, चाहे वो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता हों, सभी उसी मेहनत से जुटते हैं ग्रास रूट लेवल वर्क पे जैसे जुटना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये शक्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में ये शक्ति है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमको ये शक्ति आती है। एक आखिरी सवाल रहेगा, 13 करोड़ लोग बिहारी हैं, इसलिए सीए एनआरसी या एनपीआर कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीए कार्यान्वयन पे जेडीयू नेता खालिद अनवर ने ये बात कही है। जेडीयू नेता ने क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि सीए बिहार में लागू नहीं होगा, बिहार के सभी लोग बिहारी हैं, इसलिए बिहार में सीए एनआरसी एनपीआर इस तरह की कोई भी चीज़ लागू नहीं होगी। उनके कहने से होगा क्या? उनके कहने से या ना कहने से कोई भी चीज़ होगी क्या? जो भी निर्णय लिया गया है, सीए का जो लॉ पास किया गया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने इतना सोचा उन सभी रिफ्यूजीज, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे गैर धर्म के हों, जो अपने देश, जो स्वदेश लौटना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई भी टिप्पणी करनी बहुत ही गलत बात है और उनको ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए।